ফিনিশ আছে আর ওপেনিং ওপেনিং মহলার পর দিন মহলার পরের দিনই হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তো পাবলিক মোটামুটি কি প্রথমা থেকে বা এরকম কিছু ব্যাপার আছে তৃতীয়া চতুর্থীর দিকে ঝুড়বে তৃতীয়া থেকে আচ্ছা তৃতীয়া থেকে পাবলিক আসতে পারবে গুড় দেখছেন ওটা কি গ্লাস দিয়ে তৈরি ফাইবার গ্লাস আচ্ছা মানে একদম যে উপরে যে চূড়াটা হবে ওটা ফাইবার গ্লাস ফাইবার গ্লাস দিয়ে আচ্ছা তো এটা একটা চমক থাকতে চলেছে চমক আচ্ছা तो भाई अभी फिलहाल हमने ग्रैंड लिस्बोआ के ठीक सामने से हम लोगों ने अभी टोटो पकड़ लिया है मतलब टोटो नहीं ये टर्री है और टर्री से हम लोग जा रहे हैं रथचाला और यहाँ से रथचाला का भाड़ा है 15 रुपया ग्रैंड लिस्बोआ के ठीक सामने से 15 रुपया भाड़ा है और अगर आप बाग मोड़ जाते हैं जहाँ पे 32 फुट बोरोमा का दुर्गा पूजा हो रहा है वहाँ का भाड़ा 20 रुपया है तो आप लोग याद रखिएगा रथचाला का भाड़ा सिर्फ मात्र 15 रुपया और हम लोग टोटो में हैं और टोटो का ठीक मेरे सामने फ्रंट व्यू देख सकते हैं हम लोग और हम लोग जा रहे हैं अभी टोटो से हम लोग रथचाला तो सीधा चलते हैं हम लोग रथचाला तो हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है एक हमारे न्यू वीडियो में और अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ रथचाला दुर्गा पूजा पंडाल में जहाँ पे बन रहा है हमारे चंद्रोदय मंदिर जो कि भाई हमारे वृंदावन का है जो भी वृंदावन में उसका काम चालू हो चुका है और वृंदावन में उसका जो मॉड्यूल है वो भी तैयार करके रेडी करके रख चुका है तो वृंदावन में वो कहाँ बन रहा है वो भी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेगा क्योंकि उसके लिए वृंदावन जाने के लिए एक टूर बनेगा हमारा बहुत ही जल्दी तो उसके लिए जाएंगे और फिलहाल अभी आप लोग बताते हैं दुर्गा पूजा में चंद्रोदय मंदिर बन रहा है हमारा रथचाला में तो रथचाला में इसका हाइट पहले बता दूँ इसका हाइट लगभग 170 फुट है और यहाँ पर ही जो चंद्रोदय मंदिर है अभी वृंदावन में पूरी तरह से बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है लेकिन यह दुर्गा पूजा में इस बार इसको बनाया जा रहा है पूरे बांस के स्ट्रक्चर से तो सेम उसी तरह रहेगा तो चलिए इसके अंदर चलते हैं इसके अंदर क्या क्या रहेगा कैसे क्या रहेगा ये किससे बनेगा इसका ऊपर का डिज़ाइनिंग कैसा रहेगा लाइटिंग कैसा रहेगा वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम लोग अभी इसके अंदर चलते हैं इसके अंदर कितना काम हो चुका है कितना काम नहीं हुआ है वो भी सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा और आप लोगों को यहाँ पर आना कैसे है वो भी सारा बता दूँगा तो चलिए हम लोग चलते हैं रथचाला के अंदर यहाँ पे रथचाला में चंद्रोदय मंदिर बन रहा है उसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं तो चलिए चलते हैं हम लोग बिना वेट किए इसके अंदर और इसके अंदर कितना काम हो चुका है वो आपको दिखाते हैं और इसका उद्घाटन कब तक होगा वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो अभी फ़िलहाल जो चंद्रोदय मंदिर है उसके जस्ट ठीक सामने हूँ और सामने से हम लोग इसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं और इसके अंदर मैं पहले से बता दूँ आपको कि इसके अंदर भी मैं क्या क्या काम होने वाला है क्या काम हो चुका है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा और इसमें बाहर से किस चीज़ से काम होगा वो भी बताएँगे तो अभी पहले इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर देख सकते हैं ये आपको पहले बता दूँ मैं पहले भी बताया था बनने के टाइम पर ये जो आप लोग जो अभी जो इंटर कर रहे हैं इससे ये आपका VIP गेट रहेगा और इसके बगल में भी 2 गेट है जिसमें से जनरल से आप लोग आ सकते हैं लेकिन इसमें आपके लिए VIP पास होना चाहिए तभी आप लोग इससे अंदर आ सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं VIP का जो भाई एंट्री है वो कुछ एक अलग लेवल पे बनाया गया है और बाकी लोग का है उसका साइड से रहे एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो ये था भाई VIP एंट्री तो VIP एंट्री से जस्ट मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और अंदर आने के बाद ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं बता दूँ इसके ऊपर में भाई ऊपर में जो आप लोग देख पा रहे हैं ये ऊपर में सारा प्लाई का काम हुआ है और ये जस्ट हमारे चंद्रोदय मंदिर के अंदर जो रहेगा जो मॉड्यूल जो काल्पनिक है जो वहाँ पर मॉड्यूल जो वृंदावन में रखा हुआ है उसी को देख कर उसी के आधार पर उसको बनाया जा रहा है सामने में देख सकते हैं ऊपर में वो देखिए भाई उसका सेम वैसा ही डिज़ाइन किया गया है ये चारों तरफ पूरा प्लाई से काम हो रहा है और इस जगह जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो ऊपर में प्लाई का काम हो रहा है ये तो अलग है और इसके जस्ट ठीक सामने ही वहाँ पे रहेगा हमारे दुर्गा माँ का मूर्ति जो कि अभी उसका एक अलग से काम होगा और ये देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल ये लकड़ी का काम हो रहा है और ये जो आप लोग जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन भी सारा अंदर में ही लगेगा जो मेन पंडाल के अंदर है ये जो डिज़ाइन है ना ये डिज़ाइन इस पंडाल के अंदर ही रहेगा ये साइड में देख सकते हैं और फिर से बता दूँ ये आपका मेन VIP एंट्री रहेगा और जो हमारा एग्ज़िट
मतलब जो आम लोगों के लिए रहेगा इस तरफ से रहेगा, इस तरफ से आना और इस तरफ से एग्जिट हो जाना, और जो उस तरफ हो रहा है उस तरफ अंदर का पंडाल में जो लगने वाला सामान है उसका काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उस तरफ चलते हैं और उस तरफ में क्या हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं, और बाहर में क्या काम होगा वो किससे होगा, ऑलमोस्ट शायद फाइबर से होगा, शायद उसी से काम चलेगा उसका। तो भाई अभी फ़िलहाल जो रथशाला में जो दुर्गा पूजा बन रहा है उसका अभी ज़ोरों ज़ोर से काम चल रहा है। रथशाला मंदिर जो चंद्रदेह मंदिर है उसका प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे हो रहा है, और इसको ऊपर से पूरा ढक लिया गया है ताकि बारिश वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। सामने में देख सकते हैं ये ज़ोर से काम चल रहा है, इधर में सजा के रेडी करा जा रहा है, और उसके इस तरफ ही देख सकते हैं यही है हमारा चंद्रदेह मंदिर। तो चलिए थोड़ा इसके बाहर चलते हैं और आप लोगों को कुछ बाहर से दिखाते हैं इसके। तो भाई जैसे कि मैंने बताया मैं फ़िलहाल अभी चंद्रदेह मंदिर के ठीक बाहर आ चुका हूँ, और अभी फ़िलहाल इसके अंदर में ऑलमोस्ट काम चालू हो चुका है, और अभी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, बट दोस्तों बाहर में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल बाहर में किस चीज़ से काम होगा वो आप लोगों को पहले वीडियो में पता चल चुका है, तो अभी इसका काफ़ी सारा टाइम लगेगा थोड़ा बाहर के काम होने के लिए। तो अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे प्रधान शिल्पी नहीं है, जो इसके असली कारीगर जो बनाते हैं वो यहाँ पे नहीं है, और बारिश भी आने वाला है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा देरी वेट नहीं कर सकता, मैं रुक नहीं सकता। तो यही है हमारे चंद्रदेह का मंदिर। तो चंद्रदेह मंदिर के बाहर आके बता दूँ इसका लगभग जो हाइट है वो 170 फुट है, पहले बहुत कम रेडी हुआ था, अभी से काफ़ी ज़्यादा रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसका कुछ आपको शॉट दिखा देते हैं, आपको शॉट कैसा लगेगा उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई अभी फुल एंड फाइनली हम लोग जो हमारा चंद्रदेह रथशाला मंदिर है उसको आपने पूरा देखा होगा और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी हो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए और आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो और वीडियो एंजॉय किया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।